नमस्कार, मी संकेत देशपांडे, टॉप न्यूज मराठी चॅनलमध्ये आपलं स्वागत। राज्यातील महावितरण आणि महापारेषणचे कंत्राटी कर्मचारी आजपासून विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारत आहेत। राज्यातील तीनही वीज कंपन्या अर्थात महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषणमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राट दरात होणारी आर्थिक पिळवणूक दूर करण्यासाठी कंत्राटी विरहित रोजगार द्यावा या प्रमुख मागणीसह कामगारांच्या वेतनात रोजंदारी, कामगार पद्धतीद्वारे शाश्वत रोजगार या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे राज्यातील सुमारे 42,000 वीज कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा रात्री 12 वाजल्यापासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे। पुण्यातील रास्तापेठ येथील विद्युत पारेषण वितरण कंपनीसमोर देखील आंदोलन करत बेमुदत संप पुकारण्यात आला। आज या ठिकाणी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीतील सुमारे 42,000 वीज कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संप आज रात्री 12 वाजल्यापासून सुरू झालेला आहे। या राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी या वीज कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष द्यावं, कारण ते आमचे ऊर्जामंत्री आहेत। या कंत्राटी कामगारांच्या मागण्या खूप सोप्या आहेत। यांना कंत्राटदारांकडून जी आर्थिक पिळवणूक होते ती दूर करण्यासाठी कंत्राटदार विरहित रोजगार या ठिकाणी अपेक्षित आहे। या ठिकाणी कायम कामगारांची वेतनवाढ होते, या देखील कामगार खांद्याला खांदा लावून काम करतात, त्यांची देखील वेतनवाढ यावेळी होणे हे अपेक्षित आहे। या सर्व राज्यभरामध्ये आज 36 जिल्ह्यामध्ये कंत्राटी कामगार हे रात्रीपासून आंदोलनात गेलेले आहेत आणि प्रशासनाने याची दखल घेतलेली नाही आहे। ऊर्जामंत्री महोदय सूचना करून देखील प्रशासन जर का कानाडोळा करत असेल तर हे कंत्राटी कामगार हे बेमुदत आंदोलन पुढे रेटून नेणार आहेत। एवढंच आमचं या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी या वीज कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यावरती लवकरात लवकर विचार करावा। नागरिकांना वेठीला धरणे हे आमच्या संघटनांचं काम नाही आहे। या 30 संघटना याच्यामध्ये कृती समितीच्या माध्यमातून सामील झालेल्या आहेत, यांना न्याय द्यावा ही ऊर्जामंत्री यांना आमची हात जोडून नम्र विनंती आहे। मेरा नाम सचिन मेंगाळे है। कृती समिति का संघटक के रूप में मैं महाराष्ट्र का दायित्व संभाल रहा हूँ। आप जब सब लोग देख रहे हैं कि बिजली क्षेत्र में काम करने वाले संविदा और कॉन्ट्रैक्ट के सभी लोगों ने तकरीबन 1.5 महीने से सभी महाराष्ट्र राज्य में आंदोलन चालू है। वो माननीय ऊर्जा मंत्री जी को हमने निवेदन दिया, सरकार को हमने निवेदन दिया, लेकिन ये निवेदन के लिए अभी तक कुछ शासन द्वारा कुछ मीटिंग अभी तक हुई नहीं है। इन लोगों की मांगों क्या है, कंत्राटदार से जो हुई तकलीफ के बारे में जो कामगारों का जो कहना था इसके बारे में शासन ने सोचना चाहिए। हरियाणा ने जैसे कॉन्ट्रैक्टर मुक्त रोजगार देने का उन्होंने ऐलान किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी वहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा हो रहा है। उस आधार पर महाराष्ट्र में भी ऐसी योजना आनी चाहिए, यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ऐसी है कि यहाँ पर जो लोग 20-20 साल, 25-25 साल तीन कंपनी मिलकर काम करते हैं, इन लोगों के लिए जो विद्युत क्षेत्र में कार्यरत नॉमिनल मस्टर रोल के आधार पर इन लोगों को कायम करना चाहिए और इन लोगों को न्याय देना चाहिए, यह हमारी दूसरी मांग है। हमने शासन को तकरीबन 1.5 महीना पहले नोटिस देकर रखा ही है, लेकिन शासन द्वारा कोई भी इसके बारे में ना अभी तो कोई बुलावाया है ना कोई ऐसा सूचित किया है। तो ये आंदोलन जब तक कामगारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन महाराष्ट्र में पूरी तरह से चलता रहेगा। धन्यवाद। कम ऑन गाइस, हरी अप। अरे सुनना, एक ब्रेक ले लेते हैं। गाइस आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों को सही से ट्रैकिंग नहीं आता, बट दैट्स ओके, यू कैन लर्न। रो इसका ढक्कन देना। ये रेड वाला है, सही वाला देना। वेट, ढक्कन पहले तो सही पानी पीना। Manikchand Oxyridge, proudly Indian.